पीएम नरेंद्र मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नवंबर में पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले के हवाले से खबर दी है, हालांकि पीएमओ या विदेश मंत्रालय ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। वहीं कश्मीर में पाकिस्तानी दखल को लेकर दिए बयान के बाद कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले का एक कार्यक्रम आखिरी मौके पर रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान की बैठक में शामिल होने के लिए लाओस पहुंचेंगे। वहीं इस दौरे पर वो भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस दौरान उनके एजेंडे में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक समझौतों समेत कई मुद्दों पर बात होगी। केंद्र सरकार कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार करने वाले अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली सुविधाएं कम कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय इससे जुड़े डॉजियर को अपडेट करेगा। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज मुलाकात करेंगे। कल राजनाथ ने पीएम मोदी से मिलकर उन्हें अपने दौरों की रिपोर्ट दी। वहीं राजनाथ सिंह से मिलकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि हुर्रियत और अलगाववादियों से बातचीत की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कहा है कि अलगाववादी नेता घाटी में बच्चों को भड़काकर हिंसा में शामिल कर रहे हैं, जबकि वो अपने बच्चों को विदेश या राज्य के बाहर पढ़ा रहे हैं। महबूबा ने कहा है कि अलगाववादी बच्चों को तो गोलियों, पैलेट गन का सामना करने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद एक पुलिस वाले से भी डरते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर कई गांवों पर गोले दागे हैं। पूंछ के शाहपुर सेक्टर में सोमवार रात से शुरू हुई फायरिंग में पाकिस्तान ने 6 भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। 2 सितंबर को भी जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ने आतंकी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में आतंकियों और उग्रवादियों को जनता का समर्थन मिल रहा है और जब तक इसे रोका नहीं जाएगा भारत आतंकी गतिविधियों से जूझता रहेगा। एनएसजी की ये रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों में हुई बम विस्फोट की वारदातों के अध्ययन के बाद तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट सभा में खाट को लेकर ही लूटपाट मच गई। देवरिया में चुनावी मिशन के तहत राहुल गांधी ने खाट सभा की थी। लोगों ने राहुल गांधी के चले जाने के का भी इंतजार नहीं किया। इस दौरान राहुल ने मोदी के साथ अखिलेश सरकार पर भी किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने तंज कसा कि राहुल खुद कांग्रेस की खाट खड़ी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि सुपरटेक को निवेशकों का पैसा हर हाल में लौटाना ही होगा, चाहे कंपनी डूबे या मरे। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे पर बने सुपरटेक एमरॉल रिकॉर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी 10% सालाना ब्याज के साथ 17 खरीदारों को 4 हफ्ते में उनकी रकम लौटाए। जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा में एक दलित युवक की सरेआम पिटाई की गई। उसे रस्सी बांधकर जूते की माला पहनाई गई, फिर पूरे गांव में घुमाया गया। पिटाई करने वालों का कहना है कि दलित युवक उनके गांव की लड़की से फोन पर बात करता था। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में एक मंत्री के दखल पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। अब 21,000 रुपए वेतन वाले कर्मचारी भी राज्य बीमा निगम यानी
ईएसआईसी की स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में होंगे। अभी इसका फायदा 15,000 रुपए तक वेतन पाने वालों के लिए ही था। ईएसआईसी ने मौजूदा योजना का फायदा उठाने वाले उन्हीं लोगों की सदस्यता बरकरार रखने का भी विकल्प दिया है जिनका वेतन 21,000 रुपए की सीमा से ज्यादा हो गया है। दोनों फैसले 1 अक्टूबर से लागू होंगे। दिल्ली में डेंगू के बाद अब मलेरिया ने भी मौत के 2 मामले सामने आ चुके हैं। रविवार को सफदरगंज अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। 13 जुलाई को एम्स में एक बुजुर्ग की मलेरिया से मौत पहले ही हो चुकी है। एमसीडी का दावा है कि 5 साल बाद दिल्ली में मलेरिया से किसी की मौत हुई है। अश्लील सीडी कांड में फंसे दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के निजी सचिव प्रवीण कुमार पुलिस हिरासत में है। प्रवीण कुमार से पुलिस ने कई राउंड की पूछताछ की। संदीप कुमार ने प्रवीण पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। संदीप कुमार का कहना है कि अश्लील सीडी प्रवीण ने ही लीक की है। पुलिस ने प्रवीण कुमार को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एक इंजीनियर पर अपनी नाबालिग नौकरानी से रेप का केस दर्ज किया गया है। इंजीनियर जोधपुर हाउस में तैनात था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ के खिलाफ आप विधायक अमतुल्ला खान ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। आप विधायक का आरोप है कि हारून यूसुफ ने वक्त बोर्ड के चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद भी बतौर मंत्री दिल्ली वक्फ बोर्ड के ड्राइवर को अपने साथ रखा। इस दौरान ड्राइवर को सैलरी और दूसरी सुविधाओं का भुगतान वक्फ बोर्ड ने किया। हारून यूसुफ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रीति राठी एसिड अटैक केस में आज मुंबई की विशेष अदालत ने दोषी की सजा का फैसला सुनाएगी। मंगलवार को कोर्ट ने प्रीति के पड़ोसी अंकुर पवार को दोषी करार दिया है। दो मई 2013 को अंकुर ने प्रीति पर एसिड फेंक दिया था। गंभीर रूप से झुलसी प्रीति राठी की 1 जून 2013 को अस्पताल में मौत हो गई। प्रीति ने अंकुर से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। प्रीति राठी दिल्ली से मुंबई नौकरी ज्वाइन करने के लिए सिलसिले में आई थी। मुंबई से सटे थाने में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने एक लड़के की पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पिछले 1 महीने से उसे परेशान कर रहा था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चल रही थी। नौपाड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विवादित इस्लामी धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने एक विभागीय जांच शुरू की है। इस मामले में गृह मंत्रालय के 4 बड़े अधिकारी निलंबित किए गए हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के 15 अफसरों ने जूनियर अफसरों की गलती के लिए निलंबन की कार्रवाई का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट निलंबित अफसर के पक्ष में आने पर सरकार निलंबन वापस ले सकती है। बॉलीवुड के सितारों के घर विराजे 1.5 दिन के गणपति को मंगलवार को ढोल नगाड़ों और उल्लास के बीच विदाई दी गई। अनिल कपूर ने जुहू बीच पर गणपति का विसर्जन किया। सलमान खान के घर में भी 1.5 दिन के बाद बप्पा को मंगलवार को विदा किया गया। सलमान खान हालांकि गणपति विसर्जन के मौके पर घर पर नहीं थे। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन लालबाग के राजा के दर पर माथा टेकने पहुंचे। बिग बी ने गणपति की पूजा की और आरती में भी शामिल हुए। मुंबई में जी मीडिया के दफ्तर में भी गणपति विराजे हैं। हर साल की तरह इस साल भी 5 दिन के गणपति बप्पा की स्थापना की गई है। यूपी के गाजीपुर में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाने और सेल्फी लेने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़ित का पड़ोसी है। छात्रा का आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर आरोपी ने वीडियो बनाया और बात न मानने पर वायरल कर दिया।
यूपी में मथुरा के कोसी कला थाने से महज चंद मीटर की दूरी पर चेन स्नैचिंग का एक वीडियो सामने आया है। महिला बस स्टॉप पर बच्चे के स्कूल से लौटने का इंतजार कर रही थी। महिला की चेन की ताक में एक लड़का काफी देर से इधर उधर देखता है और मौका मिलते ही अचानक चेन लेकर फरार हो जाता है। जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तोमर पर रांची के एक होटल में यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ रेप की कोशिश का आरोप है। छात्रा ने फरवरी 2015 में केस दर्ज कराया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड पुलिस ने जयपुर के मोती डुंगरी थाने में तोमर से पूछताछ की। आज जयपुर सेशन कोर्ट में तोमर को पेश कर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर रांची साथ लेकर जाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक बुजुर्ग की मॉर्निंग वॉक के समय घर लौटते गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग पेशे से आर्किटेक्ट थे। पुलिस दंपत्ति विवाद में हत्या का शक जता रही है। यूपी के बरेली में दो दिन से लापता 8 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बिथरी चैनपुर थाना इलाके के मोहनपुर गांव में बच्ची का शव एक गन्ने के खेत में गड्ढे में दफन था। बच्ची की रेप के बाद हत्या का शक है। एमपी के बैतूल में आरपीएफ ने एक बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया। आरोपी यूपी के बांदा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की के इनकार करने पर आरोपी ने पड़ोसी की 3 साल की बच्ची को अगवा कर लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में दहेज प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। महिला अपनी 3 साल की बच्ची के साथ पंखे पर लटकी थी, लेकिन बच्ची को बचा लिया गया। महिला के परिवार वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। हरियाणा के सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग अपने भाई के साथ गांव के मंदिर में माथा टेक कर लौट रही थी। वहीं विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता और उसके भाई पर हमला बोल दिया। राजस्थान के अजमेर में एक पिता ने अपनी ही 5 साल की बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने की कोशिश की। पिता ने अपना भी गला काट लिया। वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक पिता मानसिक रूप से अवसाद का शिकार है। पिता और बेटा दोनों जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती हैं और हालत नाजुक है। राजस्थान के जोधपुर में 25 तोला सोना और 1 लाख रुपए की नकदी चोर उड़ा ले गए। फलोदी के निकट लोडिया गांव की ये घटना है। पीड़ित परिवार ने बेटी की शादी के लिए जेवर बनाकर रखे थे। देश का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर से काम करना शुरू कर देगा, जिससे देश भर के किसानों को जैविक खेती करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने ये जानकारी दी है। बिहार में पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इफको किसान बाजार का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताया। बिहार के सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने न सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम बदले जाने की वकालत की है, बल्कि इस योजना के तहत मिलने वाले केंद्रीय अंश को भी बढ़ाए जाने की मांग की है। आलोक मेहता के मुताबिक राज्य सरकार ने योजना के नाम पर भी आपत्ति जताई है। योजना में अंशदान केंद्र, राज्य और किसान तीनों देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम से योजना का नामकरण कहीं से भी उचित नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 4 सिंचाई परियोजना के लिए 2,937.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से 95,730 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में ग्वालियर में बॉक्सिंग का डे बोर्डिंग सेंटर बनाने के फैसले पर मुहर लगाई गई। वहीं एससी और एसटी समुदाय के छात्रों के लिए हॉस्टल के लिए 3 खेल परिसर बनाने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग से लेकर शिक्षा विभाग में वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 4 के लिए शिक्षक के सैकड़ों पदों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 51 कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सेब का सालाना कारोबार करीब 4,500 करोड़ रुपए का है। इसके बावजूद यहाँ सेब किसानों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हिमाचल में किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी परेशानियों को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों के मुताबिक सेब को सुरक्षित मंडियों तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लिहाजा उन्हें कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पिछले कई सालों से ठियोग हाटकोटी रोडलू नेशनल हाईवे 5 पर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। कई सरकारें आई और गई, लेकिन करीब 90 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे की दशा सुधरने की बजाय और ज्यादा खराब होती जा रही है। सेब सीजन का आगाज बरसात के मौसम के साथ शुरू होता है और सितंबर महीने के अंत तक राज्य के अलग अलग सेब उत्पादित इलाकों में सेब मंडियों तक पहुंच जाता है, लेकिन किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे की शक्ल अब तक दलदल में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से पहले मंडियों तक सेब ले जाने वाले वाहन मनचाहे दाम वसूल करते हैं। अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ पक्के मोर्चे के लिए जा रहे किसानों को पुलिस ने घेराबंदी करके बरनाला में ही रोक लिया। किसान कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, युवाओं को रोजगार, फसलों का उचित दाम शामिल है। किसानों का आरोप है कि वो पक्का मोर्चा लगाने की खातिर चंडीगढ़ कूच करना चाहते थे। इस बीच किसान बरनाला के गांव फतेहगढ़ छुन्ना के गुरुद्वारा साहिब में इकट्ठा हुए तो पुलिस ने यहां भी घेराबंदी कर दी। बिहार के छपरा में शराबबंदी के नाम पर पुलिस वालों की गुंडागर्दी सामने आई है। शराब के साथ पकड़े गए कारोबारी को पुलिस ने पेड़ से बांध कर पीटा। बिहार में शराबबंदी हुई तो शराब तस्करी के नए तरीके भी ढूंढे जाने लगे। नवादा में तस्करों ने गैस सिलेंडर को काटकर उसमें 150 पाउच शराब छुपा रखा था, पर पुलिस जांच के दौरान वो पकड़े गए। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेगूसराय में एक कलयुगी मां की करतूत ने मां की ममता को शर्मसार कर दिया है। प्रेमी को पाने के लिए इस मां ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को गंडक नदी में फेंक कर अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। घटना बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के सिसौनी की है। झारखंड के रामगढ़ में कुएं में डूबकर 3 सगी बहनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। जान बचाने के लिए कुएं में कूदी मां को गांव वालों ने बचाया। बिहार के बाढ़ में सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने राहत वितरण में अनियमितता का आरोप लगाकर मोकामा प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 10 पंचायतों के लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार के दरभंगा में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। मामले में जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है। बिहार के बक्सर में साली के घर आए एक शख्स की हत्या के मामले में सनसनी फैल गई है। मामला राजपुर थाना इलाके के नावा गांव की है। बगीचे में शव पेड़ पर फंदे से लटकता मिला। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया है। बिहार के आरा में 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला गढ़हनी प्रखंड के गढ़हनी गांव का है। बिहार के कैमूर जिले में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। साल 2009 में से 2011 के बीच बंध्याकरण के नाम पर कुछ अधिकारियों और एनजीओ ने मिलकर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डकार ली। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है।
बिहार के भोजपुर में गंगा ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। बड़हरा प्रखंड के बलुआ गांव के करीब 35 घर गंगा के गुस्से की भेंट चढ़ गए हैं, जिसके चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। लगातार हो रहे कटान से करीब 3 किलोमीटर सड़क गंगा में समा गई है और करीब 25 बीघा खेत भी गंगा में डूब गए हैं। अपना घर बार खो चुके लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई। नाले से दलित की शव यात्रा निकाली गई। दबंगों के शमशान में दलितों को अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाता। पंजाब के जगुराव में दलित छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने डीएवी कॉलेज पर भेदभाव का आरोप लगाया है। कहा हाजिरी के लिए अलग बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। राजस्थान के दौसा में दलित युवक की पिटाई की गई। जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। पुलिस ने दर्ज नहीं की एफआईआर। पीड़ित ने बीजेपी मुख्यालय में जाकर गुहार लगाई है। सऊदी अरब अब सीरिया में युद्ध विराम को जल्दी से लागू करना चाहता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदेल अल जुबैर ने लंदन में पत्रकारों को बताया कि युद्ध विराम की कोशिशें तेज हैं। बातचीत पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। सऊदी अरब पर असद सरकार के विरोधी आतंकी गुट और यहां तक कि आईएसआईएस की मदद करने का आरोप है। सीरिया के एलेप्पो शहर में जारी जंग के दौरान क्लोरीन अटैक हुआ। सीरिया की सेना और आतंकवादियों के बीच एलेप्पो में निर्णायक जंग चल रही है। इस क्लोरीन अटैक के बाद लोगों को दम घुटने की शिकायत हुई, जिसके बाद कई लोगों को इलाके से निकाला गया। बगदाद में एक कार बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके को खाली कराया गया। बगदाद में पिछले कुछ महीनों से आतंकी धमाकों की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। उत्तर कोरिया के सोमवार को किए गए मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से उस पर सख्त प्रतिबंध लगाने को कहा है। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ जापान ने भी इन परीक्षणों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। चिलिमिस्किंग के दौरान हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। 57 साल के फिलिप अपने 2 बेटों के साथ वेलकोनो विलेरिया पर स्की करने जा रहे थे, जहां वो हादसे का शिकार हो गए। उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बेटे और उनको खुद चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास स्की करने की इजाजत नहीं थी। स्पेन के अरिकेंटे में जंगल में फैली आग को काबू करने में फरार फाइटर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से करीब 1000 लोगों को और सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। माना जा रहा है कि आग कुछ लोगों ने लगाई थी, जो 810 हेक्टेयर इलाके में फैल गई। अमेरिका के मैरीलैंड में कृषि विभाग के दफ्तर में आग लग गई। हालांकि बिल्डिंग को पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में कृषि विभाग के दफ्तर पर हमले की आशंका जाहिर की गई थी। नासा के एस्ट्रोनॉट शेन क्रिनबर्न ने रूस के साथी एस्ट्रोनॉट एस के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के अपने 3 महीने के मिशन की जानकारी दी। 23 सितंबर को कजाकिस्तान से ये लोग आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे, जहां 5 महीने में ये करीब 250 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगले 18 महीनों में इसराइल की राजधानी तेल अवीव ने यरूशलम के बीच रेल सेवा शुरू हो जाएगी, जिसमें दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 30 मिनट का रह जाएगा। फिलहाल तेल अवीव और यरूशलम के बीच 7 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी रास्ते को 2 घंटे में पूरा किया जा सकता था।